नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इट्स कार्निस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको हिमाचल प्रदेश की आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे, तो इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आपको आज हिमाचल प्रदेश में कितने कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं और इसके अलावा 2 महीने के लिए 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र ने बढ़ाई हिमाचल की चिंता और इसके अलावा शिमला गुड़िया केस और इसके अलावा मनरेगा में उत्तर भारत का नंबर 1 ब्लॉक बना हिमाचल का धर्मशाला, तो इन सभी खबरों के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। पर सबसे पहले अगर आप इट्स कार्निस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 55 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। हिमाचल के आज चंबा जिले में दोपहर के बाद 2 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। इनमें एक स्मोट के क्षेत्र का लुधियाना से लौटा 57 साल का व्यक्ति पॉजिटिव निकला है और इसके अलावा दिल्ली से लौटी ब्लॉक क्षेत्र की 23 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और इसके अलावा पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस हमीरपुर से आए हैं। हमीरपुर में सबसे ज्यादा 19 नए मामले सामने आए हैं और इसके अलावा कांगड़ा जिले में 15 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बिलासपुर जिले में 5, ऊना में 4, रामपुर में 3, सोलन में 4, सिरमौर में 2 और मंडी में 1 नया मामला सामने आया है। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 756 पहुंच गया है और 417 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और सक्रिय मामले अब 308 हैं। इसके अलावा अगली खबर है, आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगी 2 महीने के लिए 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी आशा कार्यकर्ताओं को जून जुलाई माह के लिए 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने इन्फ्लुएंजा लक्षण वाले लोगों का पता लगाने के साथ साथ लोगों को क्वारंटाइन के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए भी प्रेरित किया है, तो इसके लिए प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ताओं को जून जुलाई माह के लिए 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का सरकार ने फैसला लिया है। इसके अलावा अगली खबर है, कोरोना वायरस, दिल्ली और महाराष्ट्र ने बढ़ाई हिमाचल की चिंता, ये है वजह। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली और महाराष्ट्र ने हिमाचल की चिंता भी बढ़ा दी है। इन दोनों राज्यों ने हिमाचल के कोरोना के ग्राफ में 63% की बढ़ोतरी की है। प्रदेश में अब तक 439 मामले दिल्ली और महाराष्ट्र से हिमाचल आए लोगों के हैं। हिमाचल में एक सप्ताह से औसतन 20 मामले पंजीकृत हो रहे हैं। इनमें 80% मामले इन दोनों राज्यों से आए लोगों के हैं। इसके अलावा प्रदेश में 67 संक्रमित वे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हैं। बड़ी बात यह है कि 9 कोरोना पॉजिटिव ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसके अलावा अगली खबर है, शिमला गुड़िया केस, जैदी के पीएसओ ने भी एसपी पर बनाया था बयान बदलने का दबाव। गुड़िया कांड से जुड़े सूरज लोकप हत्याकांड की जाँच में गोवा एसपी सौम्य शाम सेवन पर कोर्ट में बयान बदलने का दबाव बनाने के मामले में आईजी जोहर जैदी के बाद अब उनके तत्कालीन पीएसओ के खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू हो गई है। इस जांच से पहले पुलिस मुख्यालय ने मार्च में सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट के अध्ययन में सरकार ने पाया कि जैदी के अलावा सौम्य पर पीएसओ ने भी बयान को लेकर दबाव बनाया था। इस तथ्य के सामने आने के बाद सरकार ने पीएसओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब जांच शुरू कर दी गई है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद पुलिस मुख्यालय इस पर अंतिम फैसला करेगा। अगली खबर, मनरेगा में उत्तर भारत का नंबर 1 ब्लॉक बना हिमाचल का धर्मशाला। विकास खंड धर्मशाला मनरेगा में 2018 और 19 तक के सभी कार्य पूर्ण करने वाला पूरे उत्तर भारत में धर्मशाला एकमात्र ब्लॉक बन गया है। समस्त उत्तर भारत में विकास खंड धर्मशाला पहला ऐसा ब्लॉक है जिसने मनरेगा स्कीम के अंतर्गत 2018 और 19 तक के सभी कार्य पूर्ण कर लिए हैं। भारत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत 2015, 16, 17, 18, 19 में शुरू किए गए कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करना था, जिसमें विकासखंड धर्मशाला ने पूरे उत्तर भारत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, ये थी आज की हिमाचल प्रदेश की दिन भर की सबसे बड़ी खबरें। डेली इसी तरह से खबरों के लिए आप इट्स कार्निस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।